दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं दादरा नगर हवेली दमन दीव त्रिपल्टी की सभी अपडेट देता हूँ। दोस्तों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव जॉब बहुत सारी वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसमें गवर्निंग बॉडी है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बारकुंड दमन है। दोस्तों, इसमें फ़ीस नहीं देनी है आप लोगों को। दोस्तों, इसमें पोस्ट बहुत सारी पोस्ट हैं। दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन बी और बीटेक और एमई और एमटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर एक्सेट्रा में मांगी हुई है। दोस्तों, इसमें सभी स्टेट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों को ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव में वैकेंसी आई है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वारकुंड का है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को है ना, ये विजिटिंग बेसिस है 6 मंथ के लिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी। दोस्तों, इसमें पोस्ट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियर दो पोस्ट है। दोस्तों, इसमें बी और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एमई और एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी ये दोनों मांगा है दोस्तों, विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बी और बीटेक और एमई और एमटेक। ये दोस्तों आपको बी और बीटेक चाहिए और एमई और एमटेक भी चाहिए, बस वो विथ फर्स्ट क्लास मांगा है दोस्तों। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो पोस्ट हैं, उसमें बी और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एमई और एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बी और बीटेक और एमई और एमटेक। बी और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा है दोस्तों, और एमई और एमटेक भी मांगा है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट में मांगा है दोस्तों। दोस्तों, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन पोस्ट हैं दोस्तों, 300 रुपीज़ पर आवर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट और टू ऑफ 24,000 रुपीज़ ओनली पर मंथ। दोस्तों, इसमें क्या है, बी और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एमई और एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बी और बीटेक और एमई और एमटेक मांगा है दोस्तों। दोनों में मांगा है दोस्तों, बी और बीटेक और एमई और एमटेक में फर्स्ट क्लास मांगा है दोस्तों, और इक्विवेलेंट भी आसपास भी होगा तो भी चलेगा। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोस्तों इसमें भी बी और बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एमई और एमटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बी और बीटेक और एमई और एमटेक मांगा है दोस्तों। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स में एक सीट है, इसमें एमएससी मैथमेटिक्स एंड पीएचडी मैथमेटिक्स विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट विथ बैचलर और मास्टर लेवल। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें क्या बोला हुआ है कि इसमें है ना, द डिजायरस इज एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई इन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर्मेट इन डिटेल्स लाइक नेम ऑफ कैंडिडेट, प्रेजेंट एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बारकुंड नानी दमन, ये 396210 फॉर्म 23 मई से दोस्तों आपको फॉर्म भरनी है, और 13 जून को 5 बजे तक आप लोगों को फॉर्म भरने के टाइम है वो। दोस्तों, इसमें आप लोगों को दोस्तों है ना, इसमें क्या बोला है, इसको दोस्तों आप लोगों का हैंड और स्पीड पोस्ट और कुरियर कोई भी एक्सेट्रा कोई भी किसी से भी आप भर सकते हो। एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको पेश करनी है आपको डॉक्यूमेंट में दोस्तों। इसके अंदर है ना दोस्तों, इसमें आप लोगों का 23 मई तक भरना है। दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें 23 मई तक 23 मई से भरना है दोस्तों। 23 मई से दोस्तों क्या करना है आपको, 23 मई से है ना आपको 13 जून तक है ना, जून तक आप लोग को 5 बजे तक हैंड स्पीड पोस्ट कोरियर पोस्ट आपको अलॉन्ग विथ वन पासपोर्ट साइज फ़ोटो का पेस्ट करना है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक विद ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्मेट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ये वेबसाइट पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी, www.daman.nic.in एंड www.governmentengineeringcollegedaman.org.in।
दोस्तों ये क्या है, पर्सन ऑलरेडी इन सर्विस विद गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑब्टेन, जिस ऑर्गेनाइज कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है उसको नो ऑब्जेक्शन एनओसी सर्टिफिकेट आप लोगों को लेके इंक्लोज करना है डॉक्यूमेंट में दोस्तों। इसके बाद द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल, आप जो सिलेक्ट हो जाओगे तो आपके पास राइट नहीं है कि आप क्लेम कर सके कि मेरे को रेगुलराइज कर दे, ये इसमें पहले ही लिख दिया है परमानेंट कर दे ऐसा, तो इसमें दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट है ना, क्या ये डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे www.dman.nsc.in एंड www.governmentengineeringcollege.org.in। दोस्तों ये क्या है, दोस्तों इसके बाद क्या करना है दोस्तों, दोस्तों इसके बाद आपको है ना एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू लॉग इन टू www.dman.nsc.in एंड www.governmentengineeringcollege.dman.org.in टू द फर्दर अपडेट्स। आपको अपडेट होने के लिए हमेशा लॉग इन करते रहना है ये साइट पे। और दोस्तों आपको है ना नो इंटरव्यू कॉल लेटर विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट बाय पोस्ट। आपको इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कोई कॉलिंग वॉलिंग नहीं आएगा, वो लोग फ़ोन करके भी बुलाते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं ये लोग। दोस्तों आप लोगों को फॉर्म ऐसे भरनी है, एक फ़ोटो चिपकानी है आपको, उधर सिग्नेचर करनी है क्रॉस चेक सिग्नेचर। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो पोस्ट को मेंशन कीजिए दोस्तों। आपका नाम फुल लेटर ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, फादर का नाम भी ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, जहाँ जहाँ रहते हो पूरा पोस्ट एड्रेस लिखिए, ईमेल लिखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर लिखिए दोस्तों, नेशनलिटी क्या है आपका दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ लिखिए दोस्तों, डोमिसाइल नमन दीव का है तो लिखिए, यस नहीं है तो दोस्तों नो लिखिए दोस्तों। दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन अब गिवन फोर्स के हिसाब से यहाँ पे लिखनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी की थी, कब पास हुए, कितने परसेंटेज हुए, पहले के क्या आप क्या काम करते थे, उसके ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनेशन क्या था, कितने पैसे पैसे मिलते थे, पेशल क्या थी, पीरियड ऑफ सर्विस कितने थे, कितने दिन तक आपने काम किया इन दोनों में। दोस्तों इसमें क्या है देखिए, इसमें दोस्तों क्या है कि एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके डॉक्यूमेंट के अटैच है, जो आपने काम किया हो वो सब लिखिए। और डिक्लेरेशन में क्या है कि है ना आई डिक्लेयर डेट, ये क्या है दोस्तों कि है ना एजुकेशन एक्सेट्रा, आई डिक्लेयर डेट आई फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा फॉर द पोस्ट ऑफ ये, पोस्ट का नाम लिखना है। और ये डिक्लेरेशन है दोस्तों कि कोई भी डिविएशन हुआ, कोई भी कुछ भी फॉल्ट निकला तो आपको ये रिजेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से लिख रहे हो वो डेट लिखिए, साइन लिखिए दोस्तों। दोस्तों इसके बाद दोस्तों नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए सर। कोई भी आपको क्वेरी होगी डिपार्टमेंट नगर हवेली दमन दीव की तो मुझे पूछिए, मैं आपके सभी क्वेरी का जवाब दूंगा, DDD की दादा नगर हवेली दमन दीव की। दोस्तों बस आप मुझसे कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल कर दीजिए, क्योंकि सभी दादा नगर हवेली दमन दीव की गवर्नमेंट जॉब की मैं ही अपडेट करता हूँ दोस्तों। थैंक यू।